तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड दगड़ियों नमस्कार। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मेरे बेडरूम से बाहर का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर। धूप निकली हुई है, ठंड है हालांकि नॉर्वे में, बट बहुत बढ़िया वेदर है, खुला हुआ वेदर। तो मैं आप सब के लिए आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल जो ब्लॉग डाला था वो अपने पुराने मेमोरी और पुराने लाइब्रेरी से वीडियो के वो क्लिप जो हमने वेनिस की विजिट करी थी, रोम इटली की, वो सीरीज को मैं डाल रहा हूं। तो पहले मैंने वेनिस को पिक किया है। तो वेनिस का कल का वीडियो आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और आज उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ और प्लेसेस जो वेनिस के हैं, बहुत हिस्टोरिकल हैं, उनको आपको दिखाने जा रहा हूं। आप उनको एंजॉय करें और थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाए। और ये दुनिया के वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको पूरे वर्ल्ड से लोग देखने के लिए लोग विजिट करते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए इस मेरे वेनिस के ब्लॉग का कंटिन्यूएशन ब्लॉग। और जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर, कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और जुड़े रहें। नोटिफिकेशन का बटन भी आप क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरे ये जितने भी मैं वीडियो डालता हूं उनके क्लिप, आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए एंजॉय कीजिए वेनिस के इस हिस्टोरिकल प्लेस की हिस्ट्री को जानते हुए, वीडियो का आप एंजॉय करें। तो दोस्तों, मैं अब आप इस वीडियो के साथ देखेंगे कि हमने एक फेरी ली वेनिस में, जिसमें कि हम लोग पूरे शहर का एक चक्कर लगा करके बाहर से, समुद्र के बाहर से, पूरे पानी के बाहर से हमने पूरे वेनिस का वेनिस को देखा। तो इसके साथ ही मैं आपको वेनिस का निर्माण कैसे हुआ इस पर थोड़ा सा, इसके इतिहास पर रोशनी डालता हूँ। वेनिस का निर्माण पांचवी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद शुरू हुआ, जब मुख्य भूमि के शरणार्थी लैगून में द्वीपों में भाग गए। जल्द ही उनमें से इतने सारे थे कि उन्हें और जगह की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के खंभों को जमीन के नीचे मिट्टी में गहरा कर दिया। लकड़ी के खंभों के ऊपर उन्होंने लकड़ी के चबूतरे बनाए और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपने भवनों का निर्माण किया, जिसका अर्थ है कि वेनिस मूल रूप से लकड़ी और पानी पर बना है। लकड़ी के ने सदियों से चमत्कारिक रूप से सही से बचा है, क्योंकि यह पानी के नीचे और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है, और इसलिए भी कि खारे पानी से लकड़ी को अधिक टिकाऊ पत्थर जैसी स्थिरता में कठोर कर दिया है। फिर भी आज वेनिस हर साल उदास रूप से डूब रहा है, जिसका मुख्य कारण समुद्र का स्तर लगातार बढ़ना है। तो चलिए, अगला जो क्लिप आप देख रहे हैं ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वेनिस का, जहां पर सबसे ज़्यादा विजिटर्स जाते हैं, जिसका नाम है रियाल्टो ब्रिज। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में बताऊं रियाल्टो ब्रिज कैसे बनाया गया था। वेनिस में सबसे पुराना पुल जो ग्रांड कैनाल को पार करता है, पोंटे डी रियाल्टो, जिसको रियाल्टो ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वो मूल रूप से एक अस्थाई पोंटून या फ्लोटिंग ब्रिज के रूप में माना गया था, जिसे 1181 में बनाया गया था। जैसे जैसे पुल पर यातायात बढ़ता गया, इसे एक लकड़ी के पुल से पुल में बदल दिया गया 1255, लेकिन दो बार ढहने के बाद पुल को और अधिक स्थिर पत्थर से भी फिर से बनाने का निर्णय लिया गया। यद्यपि माइकल एंजेलो समेत उस समय के कई प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, विजेता डिजाइन एंटोनिया द पोंटे द्वारा किया गया था और नया पुल 1591 में पूरा हुआ था। आज यह वेनिस में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो चलिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो सबसे ज्यादा विजिट की जाती है, और वो है बेलेसिका डी सैन मार्को। इसका इतिहास पर आपको थोड़ा सा नजर मैं बताता चलूं। सेंट मार्क कैथेड्रल या बेसिलिका डी सैन मार्को मूल रूप से सेंट मार्क दी इवेंजलिस्ट की हड्डियों को रखने के लिए 828 में बनाया गया था। बड़ा रोचक इतिहास है, जिसे वेनिस के व्यापारियों द्वारा
अलेक्जेंड्रिया से चुराया गया था। वो कहाँ है? मिस्र में। कहानी यह है कि सुअर की चर्बी की परतों में छिपाकर हड्डियों को मिस्र से तस्करी की गई थी। हालांकि मूल चर्च 976 में आग से नष्ट हो गई और वर्तमान बेसिलिका 11वीं शताब्दी में उसका दोबारा पुनर्निर्माण किया गया। इसके पूरा होने के कुछ समय बाद डॉग विनिशियन शासक ने उस समय बरामद किया, जिसे माना जाता है कि सेंट मार्क का शरीर एक स्तंभ से था जो आग में चमत्कारिक रूप से जलने के बाद भी बच गया। आज बेसिलिका वेनिस में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। मुख्य रूप से अद्भुत सोने के मोजेक देखने के लिए जो चर्च के इंटीरियर से 8000 मीटर यानी कि 26,247 फीट को कवर करता है। आप देखिए सामने क्या खूबसूरत दोस्तों वो नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो ये है बेसिलिका का इतिहास। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ये जब पैलेस वेनिस का विजिट मैंने किया तो मुझे ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिलो दिमाग पर छप गया। और साथ में मेरी जो लाइब्रेरी है, मेमोरीज की लाइब्रेरी है और मेरे सॉफ्ट कॉपीज की लाइब्रेरी है, उसमें ये पिक्चरें, ये वीडियोज हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। और जो जब भी मेरी इच्छा होगी तो मैं इन्हें देखा करूँगा और आप लोग भी इसका एंजॉय करें। देखिए क्या खूबसूरती है। बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये वो जगह है जो सेंट मार्क स्क्वायर के पास में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये महल मिलेगा। इसका नाम है डोगे का महल, इसको बोलते हैं डोगेस पैलेस के नाम से मशहूर। दूसरा सबसे बड़ा एरिया, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जिसको सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। इसका इतिहास भी ज़बरदस्त है। इसके बारे में आपको बताता चलूं, डोगे का महल वेनिस गोथिल शैली में बना एक महल और उत्तरी इटली में वेनिस शहर के मुख्य स्थलों में से एक है। महल पूर्व गणराज्य के सर्वोच्च अधिकार वेनिस के डोगे का निवास था। यह 1340 में बनाया गया था। डोगे का महल, जिसे प्लाजो डुकाले के नाम से भी जाना जाता है, वेनिस की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। भव्य पियाजा सैन मार्को पर स्थित महल डोगे, जो वेनिस का एक शासक था, उसका घर था और वेनिस गणराज्य के लिए सत्ता की सीट थी, जो करीब करीब 1000 से अधिक वर्षों तक ये शासन करता रहा। तो एक बहुत ऐतिहासिक प्लेस है दोस्तों। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, इस महल के अंदर जो इससे पहले बेनिसियाला जो आपका प्लेस था, जिसको बेलिसिका का इतिहास में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर एक शेर बने हुए हैं, उड़ते हुए शेरों को बनाया गया है जो पूरे सोने के बने हुए हैं और इन मूर्तियों को देखने के लिए पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने इतिहास के साथ वेनिस के दो वीडियो आपके लिए शेयर करे हैं, आप इनको ज़रूर पसंद करेंगे। और आपको जो रोम का और यूरोप की जो बेहतरीन ये इतिहास है, इनसे आप बहुत इंजॉय किए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को आप इन वीडियो को शेयर करें, जिससे कि लोग इस रोमन इतिहास को याद कर सकें। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और फिर एक दूसरे यूरोपियन सिटी, और वो भी अभी रोम का ही चलता रहेगा, उसमें आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।